ईडी के सोनिया गांधी से सवाल राउंड तीन है आज, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। और पता नहीं वो कब तक बुलाए। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कैसे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं, और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये CRPC का प्रोसेस भी अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से CBI ही ज़्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जब जाता है वहाँ चले जाते हैं लोग, तो एक इशू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती है ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती। 28 दिन से वहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली CM और DC वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। इस रूप में आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति घट में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है उसके लिए, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समारी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता था। 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे, 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब भी किसी को बाहर फेंकने की बात ही नहीं होती थी। आज इन्होंने मजाक बना रखी है। ये तमाम जो स्थिति बनी है देश के अंदर, इससे पूरा देश इतना घबरा हुआ है, चिंतित है, और इनको ये घमंड है कि देश इन बातों को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने वादे तो भुला दिए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, जहाँ पर 2014 के चुनाव के अंदर जो कैंपेन चला था, वो बातें तो लोकपाल भी हो, चाहे वो ब्लैक मनी लेके आएंगे, वो सरकार बनते ही जो SIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में ब्लैक मनी लाने वाले की, वो तो सब गायब ही हो गए, उनकी बात तो क्या करें। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी पर डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही है, किसने कहा नहीं हो रही है। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है, पर कितना मीडिया दिखाता है उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब CBI पहुंच जाए, ये स्थिति है देश के अंदर। और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है, डिस्कशन डिबेट होती तो कहाँ होती है उन मुद्दों पर ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके SLP दायर की हुई है, फैसला
सुनते हैं आ नहीं रहा है, तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और बाकी तो जो अभी हमारे आजाद साहब अपनी बात कहेंगे, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो रोज बात करते रहता हूँ आपसे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंकी स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का आगे आगे जल्दी फैसला करना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया अकीलो जी। मैं अभी गुलाम नबी आजाद जी से गुजारिश करूँगा कि आपको संबोधित करें। विस्तार से अशोक गहलोत जी ने न सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि इससे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ईडी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ईडी के द्वारा जो बुलाया जाता है उस पर चर्चा की है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक दो महीने से मेरी तबीयत खराब नहीं थी, खराब चल रही है, और जिसके कारण मैं धरनों में भी शामिल नहीं हो पाया और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं कर पाया। कई हफ्तों में हॉस्पिटल में भी रहा, तो इसके कारण सब हमारे साथियों ने समय समय पर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं कहने के लिए जो हमारे साथियों ने पिछले एक दो महीने से ना कही हो, और कईयों को तो बहुत जानकारी है पूरे केस। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि कौन सा पेपर है, नेशनल हेराल्ड का या उससे एसोसिएटेड जो भी पेपर है, वो सब इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जिसकी कई सालों से, कई बरसों से वो जांच पड़ताल कर रहे थे। और एक वक्त में तो सुनने में आया था कि उसमें कुछ नहीं है और बंद कर रहे हैं। चलो बंद नहीं किया, फिर राहुल गांधी जी से तकरीबन 30 घंटे के से ज्यादा 5 दिनों में 50 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया और डबल शिफ्ट में उनसे बातचीत की। तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के दो आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन, कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? राहुल जी चलो जवान है, लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं और किस तरह से वो पिछले 6 महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, कई दिन घर में भी बीमार रही, तो एक बीमार लीडर को जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो
इस प्रेशर को जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता, और विशेष रूप से सोनिया गांधी, भले ही उन्होंने संगठन में इतने साल और एक पॉलिटिकल परिवार में रहने के नाते पॉलिटिकल जानकारी हासिल की हो या हो, लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें, इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक नॉन टेक्निकल आदमी को, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने जिंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे एबीसी नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रियाँ मैंने हेल्थ एजुकेशन अपने पास रखी, जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं आती, मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं। तो आप वही चीज़ें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ वो क्या हुआ, तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है। आपके पास कागज़ हैं, पेपर्स हैं, आपने राहुल गांधी से एक नहीं पांच बार, एक शिफ्ट में नहीं दो दो शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की, वो बहुत काफ़ी। पहले ज़माने में जंगलें होती थी, खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूँगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज़ उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है, अब इन बिचारी औरत को क्यों परेशान करते हैं? डॉक्टर साथ है, उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो ये काफ़ी सबूत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में एजेंसीज हर जगह जा रहे हैं, शायद कभी कभी जहाँ जाना नहीं चाहिए, जिसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उसके भी करते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ। और इस तरह से मिसेस सोनिया गांधी की सेहत के साथ भी खेलना ये अच्छा नहीं होगा, मैं बस इतना ही कहना चाहता। शुक्रिया गुलाम नबी जी। अभी आने वाला जी, माननीय अशोक गहलोत जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, श्री जयराम रमेश जी व पत्रकार साथियों, एक लंबे समय के बाद गुलाम नबी जी और मैं आए हैं आपसे मुखातिब होने के लिए। जो अशोक गहलोत जी ने और गुलाम नबी जी ने आपके सामने बात रखी है, मैं उसकी तायिद करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ, जो चिंताएं व्यक्त की हैं। और आपके माध्यम से कई बार इसी मंच से कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, मैं अपनी आवाज़ को उसके साथ जोड़ता हूँ। द इशू इज नॉट अबाउट समनिंग और क्वेश्चनिंग। वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया बींग अ रूल बेस्ड, रूल गवर्न्ड कंट्री and a constitutional democracy, while respecting and implementing the laws, must also respect the fundamental rights, not only of liberty, justice, but also the right to reputation and privacy. Being a student of law, I have believed in, and I still subscribe to.
तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सीधे कहा जा रहा है कि ईडी ने देश में आतंक फैला रखा है। 0.5% भी ईडी के मामलों का सक्सेस रेट नहीं है। इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर सवाल तो उठाए ही कांग्रेस पार्टी ने। यह भी साफ किया कि सरकार को बढ़ती महंगाई की चिंता नहीं है। सांसदों को सस्पेंड कर रही है सरकार। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जब हम सत्ता में थे, कभी विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उन्हें सस्पेंड हमने नहीं किया। अब ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और सोनिया गांधी को जिस तरीके से बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी से आप पूछताछ कर चुके हैं, ईडी के पास तमाम कागजात हैं। ये बार बार एक बीमार उम्रदराज महिला को बुलाना, सोनिया गांधी की सेहत के साथ ये खिलवाड़ अच्छा नहीं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।